हालेलुया कादर मुतलिक के अजीम बाबरकत जलाली और फजल नामे आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। और आज का दिन आप सबके लिए रूहानी तरक्की खुशहाली शादवानी का दिन हो। और आज का दिन आप सबके लिए बाइस बरकत इल्मे इलाही प्रोग्राम में आप सबको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। आपकी होस्ट इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुकी हैं और जितने हमें यूट्यूब के फेसबुक के जरिए से देख रहे हैं उन सबको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और जितने हमारे गेस्ट स्पीकर इल्मे इलाही के प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं उनमें से डॉक्टर रशीद गिल हैं कनाडा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर सैमसन जी हैं वो कराची से ज्वाइन कर चुके हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम जो लाहौर से मैं ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। सो मेरे अज़ीज़ो आइए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आवाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे। और हमारे दरमियान में पास्टर सैमसन जी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। यहोवा पाक खुदा लश्करों के रब, तू जो कादर मुतलक खुदा है, तू जो रहीम और शफी खुदा है, तू जो यहोवा यरी है, तूने समंदर और बादलों को बनाया, तूने अजराम फलक नबातात और हैवानात को बनाया, तूने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर पैदा किया और तू इंसान से प्यार करता है। ऐ बाप हम बेवफा भी हो जाएं मगर तू फिर भी वफादार रहता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। हम उस वफादारी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आज फिर तू अपनी मोहब्बत की डोरियों से हमें खींच लाया कि हम फिर खुदावंद तेरे चरणों में, तेरे कदमों में, तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में आए, ताजगी को, मसा को हासिल करें, तेरे कलाम को हासिल करें जो हमारी रूहों की खुराक है। एक एक रूह बदन जान के अंदर अपने कलाम की भूख और प्यास लगा दे, ताकि तेरे कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर लिख लें, क्योंकि तेरा कलाम सोने और चांदी के सिक्कों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी और हम भी तेरे कलाम को अव्वल दर्जा दें, हम भी तेरे कलाम की रिस्पेक्ट और इज्जत कर सकें, हम तेरे कलाम को पीठ पीछे ना फेंक दें बल्कि सुने सीखे हुए कलाम को खुदावन अपने दिल में कबूल करके उस पर अमल करने वाले हैं। तूने कहा मुबारक है वो जो कलाम को सुनकर भूलता नहीं। आज जितने लोग खुदावंद मीटिंग में ज्वाइन हो, एक एक रूह बदन जान फिर से तरोताजा हो जाएं, फिर से शादमान तेरे कलाम से हो जाएं, फिर से वो तवानाई और कुवत को हासिल कर सकें। खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमें अपना कलाम सिखाता, तूने हमें शागिर्द जैसे कान दिए कि हम सुन सकते हैं खुदावंद पाक खुदा तेरे मुंह की बातों को सुन सकते हैं। आज फिर हमसे हम कलाम हो, हमसे बोल, आज के कलाम के वसीला से, आज के सवालों जवाबों के वसीला से सारी कमियां और घाटे यीशु के नाम से जाते रहें। अपने प्यारे भाई डॉक्टर शीत गिल साहब के लिए खुदावंद वो तेरे खादम है, तूने उनको ब्लेस किया है, तूने उनको हिकमत दी है, अपने कलाम से मामूर किया है, इलम बख्शा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो जैसे दूसरों तक इलम को, तेरे कलाम की अमीक और गहरी बातों को लोगों तक, दूसरों तक, दुनिया में फैला रहे हैं, अपने खादम की मदद फरमाना, रहनमाई करना, जोर और ताकत देना, और भी कुवत देना, और भी तेरे फजल को तेरे खादम के लिए मांगते हैं। हमारे अच्छे बेहतरीन मौलम टीचर उस्ताद हैं, खुदावंद हमेशा सलामती चाहते हैं। अपनी प्यारी बहन अक्सा के लिए दुआ करते हैं, अपनी खादमा को होस्ट करने के लिए खुदावंद पाक खुदा मदद और रहनुमाई करना। सारे नेटवर्क पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद पाक खुदा, इल्मे इलाही प्रोग्राम के लिए बरकत चाहते हैं, और भी लोग आए, और भी लोग जुड़ें, और भी लोग तेरे कलाम को सीखें,
ताकि तेरा कलाम फैलता जाए और सारा जलाल तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सैमसन जी, खुदा हम आपको बरकत करते हैं। सो मेरे अजीज, आइए आज की खूबसूरत तलावत हम पढ़ेंगे और हमारे दरमियान पास्टर तरसीम जी हैं, मैं उनको वेलकम खुश आमदीद करूँगी। और जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, अपने अपने बाइबल को ओपन कीजिए और आज की तलावत यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 22 आयत से लेकर तो बाब के आखिर तक 42 आयत तक की तलावत करेंगे। जी पास्टर तरसीम जी, वेलकम खुश आमदीद। जी थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए मेरे जीसो, हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10 बाब उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। यरूशलम में ईद तजदीद हुई और झाड़े का मौसम था और यस्सु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यस्सु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ें भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किसी काम के सबब से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यर्दन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा और बतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजजा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा था वो सच था और वहां बतेरे उस पर ईमान लाए। कदम का पाकलम पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकत हो। आमीन, खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू पास्टर तरसेम जी, खुदा आपको बरकत दे। सो मैं इल्मे इलाही प्रोग्राम में आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर साहब को वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। सो डॉक्टर साहब, मसीह यीशु में आपको सलाम। आपको भी सलाम और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, आज की जो खूबसूरत तलावत यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 10 उसकी 22 से 42 तक पढ़ी गई है, उसमें से चंद सवालात मैं हो गई और जितने हमारे साथ मामन मददगार हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा, बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है तू कब तक हमारे दिलों को डावाडोल रखेगा, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। आप इस आयत की वजाहत करें और इसके मफहूम को बताएं। जी
खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में आदाब और तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में सलाम। खुदावन आपको बरकत दे। और ये हमेशा ही अच्छा लगता है कि खुदावन के पाक कलाम को डिस्कस किया जाए, उसको बांटा जाए और उससे सीखने की कोशिश की जाए। ये हमारी एक कोशिश होती है कि हम तमाम अजीज मिलकर उस टॉपिक पर बात करते हैं जो कलाम मुकद्दस में से होता है और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आयत है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि तू, बल्कि फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से ये पूछा कि तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा। बात दरअसल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी खौफ ज़दा नहीं हुए। वो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर थे, उनके पास आला मनसब था, खुदा ने सारा अख्तियार उनको दिया था, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे सौंपा गया है, मुझे दिया गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह खौफ की वजह से इस बात को जाहिर नहीं कर रहे थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ। बल्कि कभी ऐसा होता है कि हम बात को ग्रेजुअली करते हैं, दूसरे आदमी का हाजमा देखते हैं कि ये कितनी बात हजम कर सकता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एकदम उस पे सच जाहिर कर दिया जाए तो मेरे जैसा कमजोर दिल का आदमी जो है वो हार्ट अटैक से भी मर जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा एक ऐसा अंदाज अपनाया, अंदाज गुफ्तगू ऐसा रखा कि वो बात भी कर जाते थे और आम आदमी महवे हैरत रहता था कि इन्होंने क्या बात की है। और हमने ये कलाम मुकद्दस में पिछले बाब में भी पढ़ा और पिछले सबक में भी पढ़ा कि लोगों के दरमियान इख्तलाफ होता था कि ये जो बातें कर रहा है ये रूह की हदायत के मुताबिक कर रहा है या इसमें बदरूह है। कुछ लोग कहते थे कि इसमें खुदा की रूह काम करती है और कुछ कहते थे नहीं, इसमें बदरूह है। और जब कोई शख्स मुतनाज़ा होता है तो वहां से ही शोहरत का आगाज होता है, वहां से ही लोग मतवजह होना शुरू होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको डावांडोल नहीं करना चाहते बल्कि उनको अशारे और कनाए में ये बता रहे हैं कि मैं ही खुदा का बेटा हूं, मैं ही वो खुदा का बर्रा हूं जिसके बारे में यूहन्ना ने पेशनगोई की थी और जिसने जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। लेकिन वो इस वजह से साफ तौर पर नहीं कहते क्योंकि वो एकदम सारे लोगों की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका मकसद जो है वो खुदावन के पाक कलाम की मनादी करना है, अपने बाप को जाहिर करना है, उसके कामों को जाहिर करना है और अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया, खुदा ने मुझे जिस्म क्यों दिया और मैं किस मखसूस काम के लिए आपके दरमियान हूँ। तो वो अपने कामों से, अपने मौजज़ों से, अपनी बातों से उन तमाम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करते हैं। जब किसी शख्स की तवज्जो अपनी तरफ दलानी हो तो हम दूसरों से मुख्तलिफ काम करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें दी। ये कैसा महय्यर अल अकूल काम है कि आम इंसान, आम शख्स ऐसा कर नहीं सकता।
तो खुदावन ने अपने बेटे को ये अख्तियार दिया कि वो करे ताकि वो अपनी ताकत का, अपने इख्तियार का अजहार जो है वो दूसरे लोगों तक कर सके, ताकि लोग उसकी कुदरत को देखकर उसकी तरफ मुतवजे हों। वरना तो वो एक सेकंड में कह सकता था कि मैं खुदा का बेटा हूं, जो करना है आपने कर लो। नहीं, ऐसा नहीं। खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों का अंदाज अपनाया ताकि ये कलाम की बात है, कोई लड़ाई की बात नहीं। और जब खुदा को आप मुतारफ करवाते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो उसके लिए एक मखसूस सलीके की जरूरत होती है, एक खास ढब की जरूरत होती है। जैसे कि हम सरमन देते हैं तो उसके लिए पहले मौजू को तलाश करते हैं, फिर लफ्जों को खुदा उनकी मदद से तरतीब देते हैं, फिर मुख्तलिफ हवालों के साथ उसको ये साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ हम किताब बंद करके बैठ जाएं कि अच्छा जी आए दुआ करें, तो बात तो वही है, लेकिन वो सरमन नहीं कहलाएगा। सरमन से मतलब ये है कि आम लोग उस बात को अच्छे तरीके से समझ सके कि खुदा का कलाम क्या कहता है और उसके मानी क्या है। तो खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों में बात करने का अंदाज अपनाया। वो बात कह भी जाते थे और समझने वाले समझ भी जाते थे, लेकिन अक्सर जो लोग थे वो नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से उनमें इख्तलाफ होता था, और यही इख्तलाफ जो है उनकी वजह शोरत बनता था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी तरफ से तो साफ लफ्जों में कहते थे, लेकिन वो समझने से कासर रहते थे। तो बात जो है वो डामाडोल करने की नहीं, या खौफजदा होने की नहीं, या अभाम पैदा करने की नहीं, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक मखसूस अंदाज अपनाया था कि वो तमसीलों में, अशारों में, कनायों में बात करते थे, ताकि वो शरीयत की मुखालफत के कसूर में पकड़े ना जाए। हालांकि वो मुखालफत नहीं करते थे शरीयत की, लेकिन फकीह और फरीसी ये समझते थे कि ये कुफर बकता है और अपना रिश्ता खुदा के साथ जोड़ता है और अपने आप को खुदा का बेटा साबित करता है। खुदा का कोई शरीक नहीं हो सकता, खुदा की कोई बीवी नहीं है, खुदा से इंसान का ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो चूंकि खुदावन यीशु मसीह ये उन पर कहते थे कि जैसे कि अगले हवाले में हम देखेंगे, मैं और बाप एक हैं, तो ये फकीह और फरीसियों के लिए ये शरीयत की मुखालफत थी, ये गुनाह था। तो खुदावन यीशु मसीह जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो एकदम पकड़े जाएं, बल्कि जब मुकर्रा वक्त आए तो वो अपने आप को उनके हवाले कर दें, क्योंकि खुदावन का हर काम एक ठहराए हुए वक्त पर होता है और तरतीब के साथ होता है। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह उनको अशारों और कनायों में ये बात कर रहे थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ और इसको कबूल करो, लेकिन वो समझने से कासर थे। आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत आपने इसको समझाया, खुदावंद आपको इससे बढ़कर इस्तेमाल करे। मेरे अजीज हमारे साथ पास्टर सैमसन जी थे, वो भी डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब, सलाम मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि आज की जो तलावत की गई यूहन्ना की इंजील 10 बाब आयत में यूं लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, तो आप प्लीज वजाहत करें कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा। आज साहब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा,
और ये सवाल इसलिए अहम है कि खुदावन यीशु मसीह तो बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के लिए सबसे पहले आए थे ना। वो अपनों के पास गया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, और जब उनके अपनों ने उन्हें रद्द कर दिया तो उसकी वजह से हम लोगों को भी निजात जो है वो मैसर आई। बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना बनी इसराइल के लिए था। खुदावंद यीशु मसीह खुद नस्लन यहूदी थे, और ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास अच्छी आती है, सौगात आती है, तो हम पहले अपने अजीज़ों को बांटते हैं जो हमारे करीबी होते हैं, जो हमारी बरादरी से होते हैं, हमारे कबीले से होते हैं। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो खुदावंद के बेटे को कबूल ना कर सके, उसको पहचान ना सके, मसीहा को जान ना सके, उनकी जिस्मानी आंखें खुदावंद के बेटे को ना देख सके। ये उनकी एक उलझन थी, एक उनकी परेशानी थी। तो जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जो भेड़ खाना होता था उसमें एक ही चरवाहे की भेड़े नहीं होती थी, बल्कि उसमें दो तीन चरवाहों की भेड़े जो है वो मौजूद होती थी, और हर चरवाहा अपनी भेड़ों को बुलाने के लिए मखसूस बोली में बात करता था, और उसकी जो भेड़ें होती थी उसकी आवाज़ को पहचानती थी और वो चुपचाप उसके पीछे हो लेती थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए उनसे कहा कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा या दूसरे लफ्जों में चरवाहा कबूल नहीं किया था। इसको दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि वो दूसरे चरवाहे की भेड़ों से ताल्लुक रखती थी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम चूंकि मुझे चरवाहे के तौर पर कबूल नहीं करते और तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, तुम मुझे नजात दहिंदा तस्लीम नहीं करते, इसलिए तुम मेरे भेड़ खाने से नहीं हो। और इसीलिए जो वो लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे, क्योंकि वो उसके अकीदे से, उसके अकवाल से, उसकी बातों से मुत्तफिक नहीं थे। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को ये कहना पड़ा कि तुम मेरा यकीन इसलिए नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो मसीही हैं, हमारे साथ वो चर्च में जाते हैं, दुआ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, वो कभी कभी बड़े अजीब सवाल पूछते हैं कि जी खुदावंद यीशु मसीह को मैं मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मैं मुकाशवा की किताब पर ईमान नहीं रखता, वो मेरी समझ से बाला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कौन हूँ, या कौन कोई शख्स जो है वो कौन है जो वो कहे कि जी मैं मुकाशवा की किताब पर यकीन नहीं रखता। वो किसी आम आदमी ने तो नहीं लिखी, वो तो खुदा ने लिखी। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम खुदा की किताब पर ही यकीन नहीं रखते तो तुम मसीह कैसे हो? हम तो पहले अमली तौर पर ही अधूरे हैं, और अगर हमारा उस पर भरोसा ही नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले सबक में ये बताने की कोशिश की थी कि सामरी लोग जो थे उनका अकीदा आम यहूदियों से मुख्तलिफ था। हालांकि वो भी यहूदी थे, वो सिर्फ मूसा की पहली पांच किताबों को ही कलाम समझते थे और अंबिया के सहीफों को वो खुदा का कलाम नहीं समझते थे। और हम लोग जो हैं, या जो यहूदी लोग हैं, वो पूरी बाइबल को जो है वो खुदा का पाक कलाम समझते हैं।
और जहाँ तक मेरा इल्म है कि यहूदी भी नए अहदनामे को किसी हद तक मानते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो सिर्फ पुराने अहदनामे तक ही महदूद रहते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम पूरे कलाम पर यकीन ही नहीं रखते तो हम उसके पैरों कैसे हो सकते हैं, उसके मानने वाले कैसे हो सकते हैं। सिर्फ नाम लिखवा लेने से तो मसीह ही नहीं बन जाते, पहले तो हमें पूरे कलाम को सीखना है, पढ़ना है। और कलाम उनके दरमियान इंसानी शक्ल में मौजूद था, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि वो इन आंखों से उसको पहचान ना सके। वो मसीहा के मुंतजर ही रहे और अभी तक मुंतजर हैं, लेकिन मसीहा आ चुका था और उनके दरमियान में था और उसने अपने कामों से ये साबित किया कि वो मसीहा है। और वो लोगों को नजात देने के लिए, रहाई देने के लिए, उनको राहत फराहम करने के लिए इस दुनिया में आया है। लेकिन वो उसको यूसुफ का बेटा ही समझते रहे जो एक आम बढ़ई था, क्योंकि वो जिस्मानी आंखों से देखते थे, रूहानी आंखों से उसके कामों को देखकर भी यकीन नहीं करते। तो इन वजूहात की वजह से खुदावंद ने ये कहा कि तुम मेरे भेड़ खाने से ताल्लुक नहीं रखती है, क्योंकि तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उनको इस तहराए में कही कि जब तुम मुझ पर यकीन करोगे तो फिर तुम मेरी भेड़े कहलाओगे। हम सब के लिए ये सबक है कि उसकी भेड़ें शुमार होने के लिए हम में भेड़ों जैसे औसाफ भी मौजूद होने चाहिए। सिर्फ मसीह का नाम लिखवा लेने से, रशीद मसीह के लिखा लिया तो मैं समझू कि मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे अमाल से, हमारे किरदार से भी वो चीज़ जाहिर होनी चाहिए। अगर वो नहीं तो हम सही मसीह नहीं है, और ये खुदा यीशु मसीह उनको कहना चाहते थे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। आपने बड़े अच्छे तरीके से उम्मीद गहरी बातें हमें सिखाई, हम शुक्रगुजार हैं आपके भी, पाखरू के भी। जब हम यीशु पर यकीन ही नहीं करते तो हम किस तरह से मसीही होने का इत्तहार दे सकते हैं, जब हम मसीही हैं? फिर उसके भेड़ खाने की भेड़ें कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकती हम उसके भेड़ खाने की? तो फिर यीशु की तरफ से हम यही तवक्को रख सकते हैं, वो कहे कि तुम मेरी भेड़। तो इसलिए थैंक्स कहता कि मेरी अगर भेड़ें आपको, आप मुझ पर यकीन रखें, मुझ पर तवक्कल करें, मुझ पर भरोसा करें। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे, उस पर तवक्कल नहीं करेंगे, तो कैसे हम उसकी भेड़ें बन सकते हैं? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी थैंक यू। पास्टर सैमसन जी, आपका भी खुदा बरकत दे। अगर आवाज जरा कम हो सकती है या खत्म हो सकती है तो ये पास्टर सैमसन जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि बाइबल मुकद्दस में ये आज के हवाला में हमने पढ़ा है, सीखा है कि मैं ओके सो मैं सिस्टर मुकद्दस को वेलकम खुश शामदीद करती हूँ मिला ही प्रोग्राम में, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगला वो सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं। जी थैंक यू सिस्टर जी, सबसे पहले मसीह में आप सबों की सलामती हो। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था, जैसा कि हमने आयत नंबर 30 में पढ़ा है कि मैं और बाप एक हैं, तो अगर मैं और बाप एक हैं तो ये बात शरीयत के खिलाफ नहीं होगी? इसमें नहीं होगी? आप मुझसे जरा बता सकते हैं? हाँ जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल मुख्तसर जरूर है लेकिन मुश्किल है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम 10 अहकाम का मुताला करें तो
उसमें पहला ही हुक्म ये है कि हम खुदा के अलावा किसी और पर ईमान नहीं ला सकते और किसी को मान नहीं सकते। तो ये लोग जो फकीह और फरीसी हैं, ये शरीयत पर, 10 अहकाम पर सिद्ध के दिल से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि रस्मी तौर पर उसके एक एक लफ्ज पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शरीयत को देने वाला कौन है? शरीयत को देने वाला खुदा है। और इसी किताब के आगाज में यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो खुदा और उसका बेटा बनाए आलम से ही वो मौजूद है। उनकी उम्र का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो बनाए आलम से, हर चीज़ से पहले वो मौजूद है। खुदावन्द यीशु मसीह कलमे की शक्ल में अपने बाप के साथ मौजूद है। और ये शरीयत जब मूसा की जरिए बनी इसराइल को दी गई तो खुदावन्द का पाक कलाम ये हमें बताता है कि तमाम दुनिया के आलम, तमाम दुनिया की कायनात खुदावन्द यीशु मसीह के जरिए से पैदा हुई, उसके वसीला से वजूद में आई। तो जो शरीयत दी गई और जब ये लिखी गई, मूसा के हवाले की गई, तो खुदावन्द यीशु मसीह उस वक्त अपने बाप के साथ मौजूद थे। वो जानते थे कि ये शरीयत किस मकसद के लिए दी गई है और इसका मफहूम क्या है। और इसीलिए खुदावन्द यीशु मसीह ने ये अल्फाज जो हैं वो कहे कि मैं और बाप एक हैं। क्योंकि जब ये दुनिया पैदा की गई, हर चीज पैदा की गई, तो उस वक्त तसलीस के तीन अराकीन का मुत्तफिक होना और यकजा होना बहुत जरूरी है। और वो तीन अराकीन कौन है? बाप, बेटा और पाक रूह। और ये तीनों ही मौजूद थे जब शरीयत लिखी गई, जब दी गई। और उसका मकसद क्या था वो तीनों अच्छी तरह से जानते थे। और खुदावन्द यीशु मसीह ने ये कहा, ये पहला सवाल जो पूछा गया था कि तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा, तो उसके जवाब में भी ये बात जो है वाजे हो जाती है कि मैं और बाप एक हैं। खुदावन्द यीशु मसीह ने कोई अबहाम नहीं रखा, किसी बात को छुपाया नहीं, बल्कि साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं और बाप एक हैं। अब उनकी शरीयत जो उनकी समझ में आती थी वो ये थी कि ये कुफर बक रहा है, ये अपने आप को खुदा के हम पल्ला गर्दान रहा है, उससे रिश्ता जोड़ रहा है, जो उनकी अकल के मुताबिक जो था वो एक गुनाह कबीरा था। और कुफर लफ्ज जो है इसका मतलब ये होता है छुपाना। और किसान जो है, जो बीज बोता है, उसको भी काफिर कहा जाता है अदबी एतबार से, इसलिए कि वो बीज को जमीन में, मट्टी में छुपा देता है। और आम हमारी शायरी में, उर्दू अदब में काफिर अदा कहा जाता है। काफिर अदा से मतलब ये है कि जब ख्वातीन अपने चेहरे को ढांप लेती हैं दुपट्टे से, तो उसको कहते हैं कि ये काफिर अदा है। तो मैं लफ्ज कुफर और काफर में यह है कि उसकी तशरी करना चाहता हूं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते थे कि इन्होंने कुफर का इर्तकाब किया है, इन्होंने सच को छुपाया है।
हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी, वो जो हकीकत में हक थे, बरहक थे, वो अपने आप को उन पर जाहर कर रहे थे। लेकिन वो चूंकि एक आम इंसान थे, वो खुदा को, खुदा की बातों को, रूहानी बातों को समझ नहीं पा सकते थे, इसलिए वो हमेशा मखमसे का शिकार रहे, उलझन का शिकार रहे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हर दफा ये कोशिश की कि वो बगैर किसी अबहाम के उनको बताएं कि मैं खुदा का बेटा हूँ, उसका इकलौता बेटा हूँ, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। उन्होंने ना सिर्फ ये बात जुबान से कही बल्कि अपने कामों से भी उसको साबित किया। आपको पता है कि जुबान से कहना एक और काम होता है, बड़ी आसानी होती है, लेकिन अमलन उसको साबित करना मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खूबी यह है कि ना सिर्फ उन्होंने जुबान से वो बात कही बल्कि उसको अपने अमल से, अपने करदार से भी करके दिखाया। तो वो बताना ये चाहते थे कि मैं वाकया ही खुदा का अकलौता बेटा हूँ, जो पाक रूह की मदद से कंवारी मरियम के पेट में आया और उसने जन्म लिया, जिसकी खुशखबरी जबराइल ने दी। तो ये वो बात थी जिसको वो बताना चाहते थे, लेकिन वो इंसान थे मेरी और आपकी तरह आम अकल रखने वाले, वो समझते हुए भी समझना नहीं चाहते थे और देखते हुए देखना नहीं चाहते थे। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि कलाम हमारे सामने होता है, हम सिर्फ उसके लफ्ज पढ़ते हैं लेकिन उसके मफहूम को और उसके मानी को समझने से कासर रहते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कुफर नहीं बका था, ना शरीयत की मुखालफत की थी, क्योंकि शरीयत देने वाला तो वो खुद है, वो जानता था कि शरीयत के असल मतलब क्या है, उसके मानी क्या है, देने का मकसद क्या था। लेकिन वो लोग शरीयत को ना समझ सके, ना खुदा के बेटे को पहचान सके और ना उस मसीहा को पहचान सके जिसके वो मुंतजर थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, कोई अबहाम ना रहे, शुबा ना रहे, शक ना रहे। उम्मीद करता हूं कि मेरे जवाब से शायद आपकी तशफी हुई हो। जी पास्टर जी, जवाब हो गया क्लियर। खुदावंद का शुक्र करते हैं और आपका भी थैंक यू, आपने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी खूबसूरती से खुदा के कलाम में से मुझे सिखाया है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सिस्टर मुकद्दस जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ पास्टर तरसीम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनका भी कोई सवाल हो तो जरूर वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जी थैंक यू, थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे मेरे जीजो। आज के सेशन के साथ साथ हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, खुदा के पाक रूह की हदायत से और खुदा के बंदा की जुबानी हम बहुत सारी नई बातों को सीख रहे हैं, खुद हम शुक्र गुजारी। सो डॉक्टर साहब, आज जो कलाम में से हिस्सा पढ़ा गया है उसमें से मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे आयत नंबर 34 के ऊपर, जिसमें कुछ मरकूम है कि यसु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? तो मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप जरा थोड़ा सा इसके बारे में, इसके मतलब के बारे में हमें समझाएं कि क्या मकसद है इस बात का कि तुम खुदा हो, तो हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। पहली बात तो ये है कि ये फकीह और फरीसी जो खुदावंद यीशु मसीह से मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, वो सीखना नहीं चाहते। उनका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढना चाहते हैं
जिसको बुनियाद बनाकर वो उसको पकड़ सके, उस पर हाथ डाल सके, उस पर कोई जुर्म साबित कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कोई ऐसा मौका फराहम नहीं करना चाहते, बल्कि उनके सवाल का, हर सवाल का जवाब वो कलाम से देने की कोशिश करते हैं ताकि वो लाजवाब हो जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि मैंने कहा कि मैं और मेरा बाप एक है, तो मतलब यह है कि मैंने ये कहा कि मैं खुदा हूं, तो तुम्हारी नजर में मैंने कुफर कहा, शरीयत की मुखालफत की, उसको तोड़ा, एक बड़ा गुनाह किया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस कलाम को तुम पढ़ते हो उसमें ये पहले से ही मरकूम है कि खुदा जो है वो अपने बंदों के दरमियान मौजूद होता है। तो ये हवाला जो है, अगर हम जबूर 82 और उसकी पहली 2-3 आयात को पढ़ें, पादरी सैमसन साहब अगर आपको मिल जाए तो इसको ज़रूर पढ़ें और इस हवाले को ज़रूर नोट करें। ये जो एक इसमें एक खास बात है, जबूर 82। सर जबूर 82, हम कलाम खुदा में से देखते हैं, जबूर 82 पहली आयत से, खुदावंद की जमात में खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है, तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे, गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमजदा मुफलस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ, वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं, ज़मीन की सब बुनियादें हिल गई हैं, मैंने कहा था कि तुम इलाह हो और तुम सब खुदा ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उम्रा में से किसी की तरह गिर जाओगे, ऐ खुदा उठ जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत, आमीन। हाँ जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पादरी साहब, ये 82 जबूर की 6 आयत जो है वो काबिले गौर है। खुदावंद का सारा ही पाक कलाम जो है वो इस काबिल है कि उसको बार बार पढ़ा जाए, लेकिन आज हमारे मौजू के एतबार से इसकी 6 आयत जो है उस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। लिखा है, मैंने कहा था कि तुम इल्हा हो, इल्हा से मतलब यह है कि तुम खुदा हो। तो खुदावंद यीशु मसीह पर ये अल्जाम था कि तुम खुद को खुदा कहते हो, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि जबूर की किताब में तुमने ये पढ़ा है कि मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो और तुम हक ताला के फर्जंद हो। तो जब मैं कहता हूं कि मैं खुदा का फर्जंद हूं तो मैंने क्या गुनाह किया है? मैं कलाम के मुताबिक ही तो कह रहा हूं। और ये एक गहरा फलसफा है हमारी जिंदगी में। अक्सर गैर अकवाम हमसे ये सवाल पूछती है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, आप शिर्क करते हैं? तो उसका मुख्तसर जवाब ये है, पहली बात तो ये है कि हम उसको खुदा का बेटा कहने वाले कौन है? उसकी गवाही तो जबराइल खुद देता है।
और अंजील मुकद्दस उसकी गवाही देती है, हम तो अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। और ये वो अंजील है जिसको पढ़े बगैर या उस पर ईमान लगा रखे बगैर आप जो है अपने मजहब पर कायम नहीं रह सकते। ये तो है इस बात का जवाब। और दूसरी बात ये है कि कलाम मुकद्दस में जिस जबूर पर वो यकीन रखते हैं, जबूर किताब को वो मानते हैं कि वो अल्हामी किताब है, ये जबूर जो है उसकी तस्दीक करता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम इल्हा हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो कौन सा उन्होंने जुर्म किया है, किस शरीयत को उन्होंने तोड़ा है? उन्होंने तो खुदावंद के पाक कलाम को बढ़ावा दिया है। और अगर मैं इजाजत चाहूँ आपसे ये कहने के लिए कि मत्ती रसूल की अंजील उसके 5वें बाब में ये लिखा है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। और यही कुछ जो कलाम में लिखा है उसके बरक्स कुरान यीशु मसीह ने बात नहीं की, इसी बात को दोहराया है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी अकल पर जो कि तारीकी का पर्दा है, वो खुदा के कलाम के भेदों को जान नहीं पाते। और यही उनकी जो अपना गलती है कि वो जानते हुए भी जानना नहीं चाहते। उन्हीं का कलाम है और खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं को याद करवा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान होते हुए अपने मतलब की बात करते हैं। और जो सही कलाम है वो बयान करने से माजूर रहते हैं, कासर रहते हैं, वो हक को बयान नहीं करते। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको याद दिलाया कि मैंने शरीयत की मुखालफत नहीं की और ना मैंने कुफर का इर्तकाब किया है, ना मैंने कोई गुनाह किया है, बल्कि मैंने कलाम ही की बात की है कि हम सब खुदा के फर्जंद हैं। और ये बात जो है जबूर में मौजूद है, आप जाएं और पहले उसको पढ़ें फिर बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का बात करने का ये एक अंदाज था, लेकिन उनके पास क्योंकि जवाब नहीं था, जब हमारे पास किसी के जवाब का नहीं रहता तो इंसानी बर्ताव ये होता है, रवैया ये होता है कि हम लड़ने पे तैयार हो जाते। और यही वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ करना चाहते हैं। वो अकेला है तो वो समझते हैं कि चूंकि इसने हमारी बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसको पकड़ो, इसको संसार करो, इस पर मुकदमा कायम करो। तो ये इंसानी रवैया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह से ये साबित करने की कोशिश की है कि मैं ही खुदा का बेटा हूं, मैं ही वो मसीहा हूं जिसके आप लोग मुंतजर हैं। मैं सिर्फ ना सिर्फ मुंह से बात करता हूं बल्कि उसको अपने कामों से भी साबित करता हूं। लेकिन बदकिस्मती से तुम काम देखकर भी मेरा यकीन नहीं करते, और यही बदकिस्मती है। उस वक्त बनी इसराइल की ये बदकिस्मती थी और आज हमारी ये बदकिस्मती है कि हम मसीह को देखते तो जरूर हैं लेकिन पहचानने से इनकार कर देते। ओ खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने अपनी अकल के मुताबिक इसका जवाब देने की कोशिश की है, उम्मीद रखता हूँ कि सर वंडरफुल। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के इस आंसर के जरिए से हमने खुदावंद के कलाम की गहरी बातों को सीखा। खासकर मेरे लिए ये बिल्कुल नया था कि कहाँ पर खुदा ने जो है वो कहा है कि तुम खुदा हो, जबूर की किताब में से आपने सिखाया। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद इसी तरह से आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर तरसेम जी, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। थैंक यू डॉक्टर साहब आपका भी। सो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक लास्ट ही क्वेश्चन होगा। हमने सीखा है, बाइबल मुकदस में से पढ़ा है कि
36वीं आयत पे आपकी तवज्जो लाना चाहूंगी। तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, इसकी वजाहत कर दें प्लीज। हाँ जी, तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी इस हकीकत को छुपाया नहीं कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन वो चूंकि खुदा था, इंसान की शक्ल में खुदा भी था और एक कामल इंसान भी था। अब इन लोगों के लिए उसको जानना, उसकी बातों को समझना बहुत मुश्किल था। मैं समझता हूं कि उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी ठोकर खा जाता, और जिस तरीके से आज मैं बात कर रहा हूं मैं ना करता। लेकिन बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हकीकत को छुपाया नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि योना की अंजील के आगाज में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा इसलिए दिया गया था कि खुदावंद अपने बेटे को लोगों से मुतारफ करवाना चाहता था, हालांकि वो बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा कहलाता था। लोग जो गुनाह करते थे या जिनकी जिंदगी में गुनाह होता था या जिन्होंने गुनाह किए होते थे उनसे माफी मांगने का तरीका था और खुदा की कुर्बत हासिल करने का एक तरीका था बपतिस्मा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेना चाहा तो यूहन्ना ने जो है वो इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये है कि उसने कोशिश की कि उसको बपतिस्मा ना दिया जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शरीयत को पूरा होने दे, मतलब ये है कि वो कोई गुनाह की वजह से बपतिस्मा नहीं ले रहे थे, खुदा उनकी पाक मर्जी थी कि वो इस अमल से गुजरे। और इसका मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरे लोगों का पर, फकी और फरीसी और दूसरे आम लोग जो थे उन पर ये जाहिर करना चाहता था अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत कि वो तस्दीक करे कि जिस पर खुदा का पाक रूह कबूतर की शक्ल में नाजल हो वो ही खुदा का बेटा है। और ये मुकाशफा यूहन्ना के लिए भी नया था। और जब कबूतर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर आकर बैठ गया, सर पर आके बैठ गया, तो यूहन्ना को के शक की, उसको शक करने की कोई गुंजाइश बाकी ना रही, और उसने इस बात का इतराफ किया कि बेशक ये खुदा का बेटा है। और फिर आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो ये हकीकत जो है ये लोगों को मालूम थी, आवाज किसी लाउड स्पीकर की तो नहीं थी या मसनूई आवाज नहीं थी, और एक आदमी ने नहीं सुनी बल्कि एक बड़ी भीड़ ने उसको सुना, वो खुदा की तरफ से आवाज थी। और उसकी तस्दीक यूहन्ना ने की, लोगों ने तस्दीक की, और ये लोग जानते थे कि ये आम शख्स नहीं, ये खुदा का बेटा है, लेकिन फिर भी वो उसको मानने के लिए तैयार न थे, क्योंकि वो लफ्जों पर जाते थे। वो चाहते जानते थे कि शरीयत में 10 अहकाम में ये लिखा है कि खुदा का कोई शरीक नहीं हो सकता, खुदा का कोई और बराबरी करने वाला नहीं हो सकता, यहोवा के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो वो एक मखसूस रास्ते पर जा रहे थे, और खुदावन यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि भाई जो शरीयत आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कलाम आपके पास है,
मैं ही वो कलाम जिस्मानी सूरत में आपके सामने हूं। अब ये बड़ी मुश्किल बात थी जो वो समझ नहीं सकते थे, इसलिए बार बार वो उसको जो है जिच करते थे और कुफर बकने का ताना देते थे, क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहते थे, उसको संसार करना चाहते थे, उसको हलाक करना चाहते थे। ये उनकी मर्जी थी और इस वजह से जानते हुए भी वो हकीकत को जानना नहीं चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि यही इसका माकूल जवाब बनता है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दें। सो आइए अपने प्रोग्राम को एंड में भी हमें खूबसूरत दुआ करेंगे सारे नेटवर्क के लिए, आज के सीखने सिखाने के सारे प्रोसीजर के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर तरसीम जी से कि वो आज के सारे प्रोग्राम के लिए, आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की सारी क्लास के लिए दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। जी थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए मेरे चीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा के हुजूर में झुकेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा पा खुदा आपने हमें सूरमा खादम की सूरत में डॉक्टर रशीद गिल को फ्राहम किया है। खुदा पा खुदा आपके पाक रूह का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमेशा ही उस वक्त हमारे साथ होता है जब हम आपके नाम पर जमा होते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि आज के इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में भी आपका पाक रूह हमारे साथ साथ है। और खुदा पा खुदा जो आज कलाम का बीज बोया गया है, खुदा पा खुदा कलाम की गहरी बातों को आज हमने जो सीखा है, फजल बख्शें कि हम इस पर कायम रहें और बहुत सारा फल लाएं। खुदा पा खुदा मैं आपका अदना सा कदम होते हुए आपके बेटे डॉक्टर रशीद गिल को बड़ी बरकत यीशु के नाम के वसीला से उनके लिए मांग लेता हूँ। खुदा पा खुदा न सिर्फ उनको बल्कि उनके घराने को भी खूब बढ़ाएं और खुदा पा खुदा आपका नाम जलाल इज्जत और बुजुर्गी इसी तरह से पाता रहे। इसी तरह से खुदा पा खुदा मैं अपने हम खिदमत भाई पास्टर सैमसन साहब के लिए आपकी बरकत को मांगता हूँ। खुदा पा खुदा आप उनको भी खूब बढ़ाएं। खुदा पा खुदा मैं अपनी प्यारी बहन सिस्टर अक्सर के लिए आपके जोर से मिन्नत फरियाद करता हूँ जो कि प्रोग्राम को होस्ट करती है। खुदा पा खुदा आप उसको अकल दनाई से मामूर करें खुदा पा खुदा, ताकि वो और अच्छे बेहतर अंदाज में आपके नाम को जलाल देने के लिए जब इस प्रोग्राम को होस्ट करती है तो खुदा पा खुदा और बेहतर अंदाज से वो आपके नाम को जलाल दे सके। और खुदा पा खुदा इसी तरह से वो तरक्की और कामयाबी को हासिल करती रहे। और खुदा पा खुदा मैं अपनी प्यारी बहन सिस्टर मुकद्दस और उसकी फैमिली के लिए भी खुदा खुदा आपकी जोर से मिन्नत फरियाद करता हूँ कि खुदा पा खुदा आप उनको भी खूब बढ़ाएं। खुदा पा खुदा तमाम तरह की जरूरियात इलाही खजानों में से पूरी करें और आपका नाम जलाल इज्जत बुजुर्गी पाए। मैं अपने आप को अपनी फैमिली को भी आपकी हजूरी में लाता हूँ खुदा पा खुदा और आपके हजूर से मांग लेता हूँ कि हम हमेशा ही आपकी इबादत करना चाहते हैं, आपके नाम को जलाल देना चाहते हैं। खुदा पा खुदा आपका पाक रूह हमारी मदद करे और यीशु का लहू हमारी हिफाजत करता रहे। खुदा पा खुदा जितने भी लोग हम इस वक्त मीटिंग में हाजिर हैं मौजूद हैं खुदा पा खुदा उन सब के लिए आपकी खास बरकत को मांग लेता हूँ कि खुदा पा खुदा हम सबको आप लें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम तैयार हैं कि आपकी आपकी खिदमत के कामों को कर सकें और खुदा पा खुदा आपकी खेत में इस्तेमाल हो सकें। खुदा आपका पाक रूह हमारी मदद करे, रहनमाई करे, सहायता करे। खुदा ये सब कुछ मांग लेता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद मसीह यस्सु के नाम के वसीला से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर तरसीम जी, आपको बरकत दें। सो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जितने हमें यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, शलोक टीवी के जरिए से, या फिर गूगल मीट के जरिए से, जूम के जरिए से देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं आप शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप कीमती मसरूफियात से वक्त निकालते हो इस प्रोग्राम को सीख रहे हैं, इस क्लास को ले रहे हैं। और डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाल रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। और इसी तरह हमारे साथ पास्टर सैमसन है, थैंक यू पास्टर सैमसन जी, थैंक यू पास्टर तरसीम जी। सिस्टर मुकद्दस आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें, अपनी होस्ट अक्सम नवर को भी इजाज़त दें, खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Yeah!